हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह। और आज जैसे कि जो सीए फाइनल या फाउंडेशन का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ है, मीन्स 13 अगस्त को, तो मुझे पता है कि आफ्टर रिज़ल्ट काफ़ी बच्चों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि अभी जैसे नवंबर में हमने कुछ बच्चों ने सिंगल ग्रुप देना होगा या फिर कुछ बच्चों को बहुत ग्रुप्स भी देने होते हैं, तो जो प्लान की स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है वो हर बच्चे को कहीं ना कहीं रहती है कि मुझे कुछ ऐसा खास प्लान मिले जो मुझे बोर ना होने दे, मेरी स्टडी को इफेक्टिवली करवाए, कुछ यूनिक हो। तो जैसे आप सभी को पता है कि हमारी राइप लाइफलाइन सीरीज़ भी चलती है, तो मेरे पास नए से नए आइडिया के साथ बहुत सारे प्लान्स होते हैं, और मैं उसके अलावा यूट्यूब पर भी कह लो विदाउट एनी चार्जेस जो हमारे प्लान है वह बच्चों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्लान लेकर आया हूं जो ना तो आपको बोर होने देगा, आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए आपको मजबूर नहीं करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए मैं फटाफट आपको लेकर चलता हूं हमारी स्टडी विंडो की तरफ, और आप देखिए कि मैंने किस वे से आपके लिए टारगेट सेट किया है, मींस नवंबर 2019 के जो एग्जाम्स है बच्चे देने जा रहे हैं, किस वे से अपनी जो रिवीजन है वो थोड़े यूनिक वे से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टडी विंडो की तरफ। रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम। देखिए, जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं कि पहले किस सब्जेक्ट को चलाया जाए, या फिर हम दो करें, सब्जेक्ट तीन करें, कैसे वारी वारी करके खत्म करें या कैसे किया जाए। तो इस चीज़ का कह लो कि परमानेंट मैंने सोल्यूशन आपके लिए निकाला है कि ना तो आप बोर होगे बिल्कुल भी, और आपकी रिवीजन भी परफेक्ट वे में जाएगी। आपको करना क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अभी जैसे मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि चलो 13 अगस्त को हमारा रिजल्ट आया है, हम पहले 4 दिन मैंने रखा हुआ है कि जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि अगर हम पहले 4 डेज मीन्स 18 अगस्त तक, क्योंकि अभी थोड़ा माइंड सेट होता है जिन बच्चों का रिजल्ट आया है अच्छा आया है या नहीं आया है, तो ये 4 दिन मैंने फ्री रखे हुए हैं, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं सारे पास सिचुएशन का, क्योंकि ऐसे उठाकर दोबारा बुक्स लग जाएं ये भी ठीक बात नहीं है। तो आगे क्या करना, देखिए जैसे कि हमारी एडवांस टैक्स की जो टेक्निक होती है कि आपको इंस्टॉलमेंट वाइज जो टैक्स है वो एस्टिमेट लगाकर डिपॉजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को, थोड़ा उसी वे को लेकर मैंने आपका ये प्लान सेट किया है कि हम क्या करेंगे कि ऐसे नहीं करना है कि 2 या 3 सब्जेक्ट उठा लो। अगर हमारे 4 पेपर हैं या हमारे 8 पेपर हैं, हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जैसे 4 दिन तो मैंने आपको दिखाया हमने छोड़ी दिए, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास अगर हम 19 अगस्त से भी स्टार्ट हो जाएं, तो हमारे पास अगर नीचे तक मीन 31 अक्टूबर तक अगर मैं इस प्लान को लेकर चलूं, हमारे पास 74 डेज आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर के 74 डेज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 74 डेज को किस वे से यूटिलाइज करना है कि हमारी जो रिविज़न है वो परफेक्ट वे में हो पाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस वे से चलेंगे कि जो हमारे पहले 19 अगस्त से लेकर अराउंड 7 सितंबर तक मीन्स 20 जो डेज हैं, यहाँ पर भी आपको क्लियरली काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे 20 डेज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, वो 20 डेज में हमने अपना जो ओवरऑल मीन्स अगर हमारे 4 सब्जेक्ट हैं हमने चारों का मिलाकर 25% सिलेबस ख़त्म करना है, और डेली साइड बाय साइड हम 2 से 3 घंटे रखेंगे रोज कुछ ना कुछ RTP का, पास्ट एग्जाम का, MTP के, चाहे हम 3-4 क्वेश्चन ही करें डेली, लेकिन रोज हमने वो करने हैं। वो चीज़ हमें जो सिखा सकती है RTP, MTP या पास्ट एग्जाम, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लो, कुछ भी कर लो, चाहे टेस्ट सीरीज का अपनी तरफ चलो मैं भी मानता हूँ बेनिफिट है, लेकिन ये जो चीज़ आपको टेक्निक सिखा सकती है इंडिपेंडेंट वे से आपको लेकर, वो आपको कोई चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। तो इसलिए इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को सबसे पहले अपने माइंड में छाप लें प्रॉपरली, रोज कम से कम आपने 2-3 घंटे कोई ना कोई RTP, MTP या पास्ट पेपर उठाकर उसके ऊपर लगाने हैं। तो हमने क्या करना है कि 25% सिलेबस जो मेन टारगेट रहेगा दिन का हमारा, 25% सिलेबस हमने 20 डेज में कवर करना है। इसमें आपके चारों सब्जेक्ट चलेंगे। अब ये आपने डिवाइड कर लेना है यहाँ पर कि कैसे आपने चारों सब्जेक्ट को या पर 20 डेज में मैनेज करना है, जस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वेटेज इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को आप पहले रखिए। बाकी जैसे मैंने आज ही एक वीडियो डाली है ऑलरेडी कि हमारी राइप लाइन सीरीज में हमने जैसे 2 और नए ऑप्शंस ऐड किए हैं कि हम वेटेज वाइज प्लानर की ऑप्शन भी ऐड की है हमारा स्मार्ट प्लानर, उसके अलावा हमने जो हमारा राइप स्टडी क्लब की ऑप्शन भी ऐड की है कि आप अगर हमारे से कोई प्लान बनवाते हो
तो आप हमारे साथ 31 अक्टूबर तक प्रॉपरली टाई अप रह सकते हो। जहां पर आप फंस जाते हो कहीं पर, हम आपको दोबारा कॉल बैक करेंगे, वो ऑप्शन आपके पास परमानेंटली रहेगी। तो चलिए बाकी हम प्लान को यहां पर डिस्कस करते हैं कि आपको अगर खुद प्लानिंग करनी है तो इस टारगेट को ऐसे रखकर चलो, 20 डेज के बाद हमने क्या करना है। हमारे पास जो नेक्स्ट 20 डेज, मतलब ओवरऑल हमारे 40 डेज हो गए, हमने सिलेबस को 50% तक लेकर जाना है। अब ये हमारा जहां तक नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे अगर चार सब्जेक्ट हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जहां तक मुझे पता है कि ये काफी हद तक कवर हो जाएगा 50% सिलेबस को अगर लेकर चले। उसके बाद हमारा रह गया नेक्स्ट 20 डेज इंक्लूड किए, मींस ओवरऑल 60 डेज हो गए, हम सिलेबस को 75% तक ले जाएंगे। लेकिन ये मत भूलना कि डेली जो आरटीपी एमटीपी या पास्ट एग्जाम को सॉल्व करना है। देखिए काफी बच्चों को इसका पर्पज नहीं पता चलता, वो कहते हैं एंड पर जाकर दो दिन रखे हैं, ये दो दिन वाली चीज नहीं है, यही तो आपकी जिंदगी है, यहीं से आपने सीखकर पास होना है, यही चीज आपको सिखाएगी कि आपने रिवीजन कैसे करनी है, आपने पढ़ना कैसे है। आप मतलब मैं आपको क्लियरली बोलूं, अगर आपने दो सब्जेक्ट के 3-4 भी सॉल्व कर लिए तो वो आपको बाकी सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली हेल्प करता है कि आईसीएआई से इस वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे उनके आंसर्स करने, ये चीज सीख लोगे तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको पास होने से रोक पाएगा। लेकिन इस चीज को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास एंड पर जाकर अगर हमने 60 डेज में 75% सिलेबस अपने सारे सब्जेक्ट का कवर कर लिया और साइड बाय साइड आरटीपी एमटीपी पास पेपर कर रहे हैं, तो आपके तीनों सब्जेक्ट यहां पर रिवाइज रहेंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट आपके यहां पर रिवाइज रहेंगे। उसमें आपको कोई इशू नहीं है कि भूल गए और रिविजन अब करनी है। अभी हमारे पास 14 डेज का टाइम जो बैलेंस बच जाएगा, उसमें हमने क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जो हमने सिलेबस अभी छोड़ा हुआ है उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको लग रही हैं, आपको आती हैं, आप कवर करना चाहते हो। नॉर्मली बच्चे यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि 25% को एंड पर ले जाओ। नॉर्मली हम करते करते भी कई चीजें ऐसी छोड़ देते हैं, 100% कवरेज नहीं करते, तो हमें पता हो कि हमने क्या छोड़ा है, उसको करना है या नहीं करना है, ये माइंड में प्रॉपरली हमारे पास एक सेट होना चाहिए। तो जो अनइंपॉर्टेंट सिलेबस रह जाएगा उसको यहां पर जो चीजें निकाल कर करनी है वो कर लेंगे, बाकी हमने ओवरऑल रिवीजन करनी है अपने जो चारों या आठ सब्जेक्ट होंगे इस 14 डेज के टाइम पीरियड में, क्योंकि उसके बाद नवंबर आ जाएगा मंथ, हमारा एग्जाम वाला मंथ आ जाएगा, नॉर्मली हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वे से अगर आप लेकर चलोगे तो आपको देखो ये नहीं देखना है कि दो सब्जेक्ट ज्यादा लंबे खींच गए, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उस हिसाब से अब हम अगले दो कब स्टार्ट करें, आपके चारों एक ही टाइम पर स्टार्ट होंगे। ये नहीं मैं कहता रोज चारों चीजों को एक ही बार पढ़ो, आपको बेसिकली ये देख लेना है, एक दो दिन तीन दिन आपने एक चीज को पढ़ा तो दूसरी दिन की तरफ हो जाओ, तीसरी चीज की तरफ हो जाओ, ऐसे करके दो को साथ साइड बाय साइड चला लो, थोड़े थोड़े करके चारों डेली पढ़ना शुरू कर दोगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चार मैनेज कर पाओगे, दो एक दिन में करो तो वो ज्यादा बेटर प्लान रहता है, बाकी ये आपकी चॉइस रहेगी यहां पर। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे, प्लान तो मेरे पास अभी और भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान हैं, तो ये चीजें मैं आपको डे बाय डे एक ही दिन में सारा बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी आप इस चीज के ऊपर जरूर कंसंट्रेट करो, बिल्कुल नई चीज के साथ प्लान के साथ मैं आपको ये चीज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी रिजल्ट आया आपका पॉजिटिव है, अगले ग्रुप की तैयारी करनी है, नहीं अच्छा आया, दोबारा रिपीट एग्जाम दे रहे हो, किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी लाइफ में ये चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले नंबर पर हमारी लाइफ है। देखिए कभी भी ऐसे ना करो कि आप अपनी लाइफ को सीए के ऊपर डिपेंड कर दो कि अगर सीए होगी तो ही हम खुश हो पाएंगे। अपनी लाइफ को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दो, बाकी सारी चीजें बाद में, ये चीजें हमारी लाइफ का एक पार्ट है इसलिए हमने कवर करनी है। ये नहीं देखना कि ये चीज होगी तो ही मैं खुश रहूंगा, अपनी लाइफ में खुश रहना सीखिए। तो चलिए मैं फटाफट आपको हमारा हेल्पलाइन विंडो भी दिखा देता हूं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि राइप लाइफलाइन सीरीज की ऑप्शन हमारी अवेलेबल है विद न्यू फीचर्स, वो वीडियो मैंने आज ही डाली है यूट्यूब पर, आप जरूर, मैंने नीचे भी लिंक लगा दिया है वहां पर भी देख लेना कि उसमें जो दो फीचर्स ऐड किए हैं, राइप जो हमारा कह लो स्टडी क्लब स्टार्ट किया है जिसमें बच्चे हमारे साथ कॉन्टिन्यूसली इन लिंक रह सकते हैं, उसके अलावा उसी ग्रुप में हम एक ब्रॉडकास्टिंग का फीचर भी ऐड किया हमने, वो सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो, www.ripersworld.in में जाकर राइप लाइफलाइन सीरीज में आपको पेज डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी वहां पर। तो इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है राइप क्लासेस के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में मैं प्लान को यहीं तक रखता हूं, बाकी आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे नए प्लान आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मेरी तो रोज बच्चों के साथ कोई ना कोई बात होती रहती है, उनके साथ बात होती है मेरे माइंड में नए आइडिया क्लिक कर जाते हैं और मैं सभी बच्चों के साथ वो शेयर करता रहता हूं। तो चलिए जिन बच्चों को लाइव
राइप लाइफलाइन सीरीज ज्वाइन करनी है, वो भी जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले। जिन्होंने अपने प्लान्स को खुद बनाना है यहां से आइडिया लेकर, वो भी जल्द से जल्द अपने डिसीजन को फाइनल लेवल तक लेकर जाएं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को, डट जाए अपने कामों में। थैंक यू सो मच।